1992 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स लिए गए थे, जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनीज को भी वर्क कर सके, उसको अलाउ कर दिया था, उसको अप्रूवल दिया गया था। उसी के चलते 1994 में टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज किया गया, जहां पर प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए इन द रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड लाइसेंस फी। लेकिन ये काफ़ी स्टीप फिक्स लाइसेंस फी थी, और इससे रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया प्राइवेट कंपनीज को, जिसमें वो रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल को फॉलो कर सकती थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने रिवेन्यू का कुछ सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट के साथ एनुअल लाइसेंस फी यानी कि ALF एंड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज यानी कि SUC के तौर पर शेयर करना पड़ता था। लाइसेंस एग्रीमेंट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड द टेलीकॉम कंपनीज डिफाइंड द ग्रोस रिवेन्यू ऑफ द लेटर। AGR इज देन कंप्यूटेड आफ्टर अलाउइंग फॉर सर्टेन डिडक्शंस स्पेल्ट आउट इन दीज लाइसेंस एग्रीमेंट्स। LF और SOSU को 8% एंड 3-5% ऑफ AGR रेस्पेक्टिवली कहा गया। अब सारा किस्सा लड़ाई का डेफिनेशन ऑफ AGR पर था, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलता था कि AGR एक परसेंटेज है सारे टोटल ऑल टोटल रिवेन्यूज का जो टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से कमाए जाते हैं, जबकि कंपनीज ने क्लेम किया कि AGR में सिर्फ वो रिवेन्यू इंक्लूड होने वाला है या होना चाहिए जो कि कोर सर्विसेज से अर्न किया गया हो, ना कि डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट। 2005 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन थी AGR कैलकुलेशन की उसको, और उसके बाद ये केस चलता रहा और कंपनीज ने AGR ड्यूज को पे नहीं किया क्योंकि केस चल रहा था। वहीं पर 2015 में जाकर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल TDSAT ने फैसला टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में सुनाया और कहा AGR सभी रिवेन्यूज को इंक्लूड करेगा अपार्ट फ्रॉम कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर सोर्सेज सच एज रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस इनकम। उसमें टेलीकॉम कंपनीज की जीत हुई। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के ऑर्डर को सेट असाइड किया और अक्टूबर 24, 2019 को AGR का वही डेफिनेशन माना जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिया था। AGR का जो ये इशू है वो इतना बड़ा चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों के लिए बहुत बड़े रिवेन्यू का सवाल था या है, जहां पर एक तरफ टेलीकॉम कंपनीज को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट को जबरदस्त रिवेन्यू मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 1.47 लाख करोड़ ऑफ टेलीकॉम कंपनीज का ड्यूज बकाया है, जिसका अगर बाइफर्केशन करें तो 92,600 करोड़ का लाइसेंस फी और 55,100 करोड़ का SUC बकाया है टेलीकॉम कंपनीज का, और उस पर लगते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टीज को सब कुछ मिला करके। स्पेशली करंट टाइम में जहां पर टेलीकॉम कंपनीज भारी स्ट्रेस से गुजर रही हैं, उसके ऊपर इतना सारा, इतना बड़ा अमाउंट जो कि टेलीकॉम कंपनीज को पे करना है, ये कुछ गरीबी में आटा गीला जैसा बात हो गई है। अब अगला सवाल आता है कि क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और हम पर इसका क्या फर्क पड़ता है। फर्क दोस्तों इस पे हम पर भी पड़ता है, गवर्नमेंट पर भी पड़ता है और टेलीकॉम कंपनीज पर भी पड़ता है। जहां पर गवर्नमेंट का सवाल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनको बहुत सारा रिवेन्यू आएगा, लेकिन जहां तक कंज्यूमर्स की बात है, अगर हम इंडिविजुअली समझें तो आइडिया वोडाफोन बहुत ही कमजोर हो चुकी हैं, कंटिन्यूसली लॉसेस कर रही हैं मल्टीपल ऑफ क्वार्टर से, और इतना बड़ा अमाउंट वो दे पाए ये बहुत ही मुश्किल है। उसके बावजूद उन्होंने करीब करीब 3,500 करोड़ इस बुधवार और गुरुवार के दिन दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल की जो सब्सिडरीज है, फॉरेन सब्सिडरीज, सिंगापुर में उसका काफ़ी बिजनेस है, अफ्रीका में उसका काफ़ी बिजनेस है, तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं से ला करके उसने 10,000 करोड़ दे दिया है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था, वो इन कंपनीज की जो बैंक गारंटीज होती हैं उनको इन्वोक कर सकती थी, वहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इशू बन जाता।
अगर बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की, तो वो ऑलरेडी दिवालिया हो ही चुका है और उसका भी करीब 21,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। टाटा डोकोमो, वो भी ऑलरेडी कुछ खास बिजनेस कर नहीं रहा है और BSNL MTNL का भी काफ़ी सारा ड्यूज बकाया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उनको बेल आउट कर सकती है, बट वो अपने आप में कुछ कर नहीं रही हैं ज़्यादा, इसलिए ये काफ़ी टफ है उनके लिए भी। अब बात इसमें दोस्तों ये है कि अगर ये लोग पे करते हैं, अगर ये लोग पे नहीं करते हैं, तो उस केस में जो ड्यूज़ हैं ये बकाया रहेंगे और ये गवर्नमेंट के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो केस चल रहा है पिछले 25 सालों से, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर ये लोग पे कर देते हैं या किसी तरह करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में ये सब कंपनीज बच नहीं पाएंगी और इंडिया में सिर्फ एक कंपनी बचेगी जिसको हम जियो कहते हैं, जो कि मुकेश अंबानी की है। तो ये एक तरीके से मोनोपोली की सिचुएशन बन जाएगी और इसके चलते इतने सारे एम्प्लॉयज, कई लाख एम्प्लॉयज जो इन सब कंपनीज में काम करते हैं, उनकी नौकरी पर काफ़ी बड़ा खतरा आ जाएगा और जॉब्स भी जा सकती हैं, तो जो गवर्नमेंट होने नहीं देगी। तो एज ऑफ नाउ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से फिर से इस पर राय मांगी है, सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं उन पर राय मांगी गई है, लीगल ओपिनियंस इस पर निकलवाई जा रही हैं और काफ़ी कुछ पैरेलली चल रहा है। अगर ये सब कंपनीज धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं सब ड्यूज़ को लेकर के और जियो ही अगर मार्केट में बच जाता है, तो दोस्तों मान लो, बिल्कुल मान लो कि जियो का जो डेटा है वो अब आपको सस्ता नहीं मिलेगा, जियो के कॉल रेट बढ़ जाएंगे और जो कि एक बिजनेस मॉडल के लिए, एक पूरे सेक्टर के लिए बहुत ही गलत होगा मोनोपोली का होना। तो इस इश्यू को दोस्तों हम फॉलो करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी। तब तक सस्ते डाटा का लुत्फ़ उठाइए, ये वीडियो और लोगों को भी शेयर कीजिए।